पाकिस्तान में जो काम सरकार आज तक नहीं कर सकी वो काम लाहौर के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कर दिया है। कोर्ट ने जहां कुख्यात आतंकवादी हाफिज सईद को डेटर फंडिंग के मामलों में 10 साल की सजा सुनाई है, वहीं इससे पहले आतंकी गतिविधियों में शामिल कई लोगों को जेल भी पहुंचा दिया। एक सप्ताह के भीतर कई आतंकियों के खिलाफ वहां से ऐसी कार्रवाई की गई है। जिन आतंकियों के नाक में नकेल डाली गई है उसमें जमात उद दावा और अन्य स्थानीय आतंकी संगठनों के आतंकी शामिल है। दरअसल बीते अगस्त माह में भी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने आतंकी हाफिज सईद के करीबी और जमात उद दावा के 3 गुर्गों को कैद की सजा सुनाई थी, जिसमें लाहौर के प्रोफेसर मलिक जफर इकबाल और शेखपुरा की अब्दुल सलाम भी शामिल थे। उन दोनों को 16-16 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ अदालत ने हाल ही में जमात उद दावा के 4 अन्य अहम गुर्गों को जेल पहुंचा दिया, जिसमें हाफिज सईद के करीबी हाया मुजाहिद और जफर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि हाफिज के साले अब्दुल रहमान मक्की को 6 माह कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि लश्करे तैयबा और फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन के 13 लोगों के खिलाफ पंजाब पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में 23 मुकदमे दर्ज हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट की सख्ती के चलते इस सप्ताह पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियों ने हाफिज सईद के संगठनों से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। अदालत ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर कई आतंकियों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इन आतंकी संगठनों से जुड़े मामलों की सुनवाई ATC के जज अरशद हुसैन कर रहे थे। उन्होंने सुनवाई के बाद आतंकी हाफिज सईद को लेकर भी अपना फैसला सुनाया है। उनकी रिपोर्ट ने हाफिज पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और साथ ही उसकी संपत्ति जब्त करने का फरमान भी दिया।